अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चौथा रोज़ा है और आज धूप ही काफ़ी ज़्यादा है, रोज़ा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। मैं तो सोना चाहता था लेकिन तैर भाई को काम है। तैर भाई इधर देखे भाई, व्यूअर्स को सलाम कहें। अस्सलाम वालेकुम। तो तैर भाई को कुछ काम है, उसने अपना ये है लैपटॉप, उसकी बैटरी डलवानी है और मेरे मोबाइल ख़रीदने का ख्वाहिशमंद है तैर भाई। तो उसने कहा है जितना प्लाज पर रेट लगेगा उसी के मुताबिक मैं ले लूँगा। तो जा रहे हैं प्लाजे के ऊपर रेट लगवाते हैं भाई। तो जी अब हम शोरकोट पहुंच चुके हैं। शोरकोट पहुंचने के बाद हमने ये फैसला किया था कि सबसे पहले तैर भाई का लैपटॉप दिखाएंगे और लैपटॉप की जो बैटरी है उसका पता करेंगे, न्यू लेनी है या वही वाली जो पहले लैपटॉप में थी वो ठीक होती है तो उसी को ठीक करवा लेंगे। और उसके बाद इन्होंने अपने लैपटॉप की विंडो करवानी थी। लैपटॉप की विंडो करवाने के बाद उसके बाद हम प्लाजे पे जाएंगे। प्लाजे पे जाके हम अपने मोबाइल का रेट लगाएंगे। तो आप जी हम शॉप पे पहुंच चुके हैं। तैर भाई ने अपना लैपटॉप दे दिया था। यहाँ लैपटॉप और कंप्यूटर्स दोनों का काम किया जाता है। आप में से जो भाई है काम करवाना चाहे तो इनका काम बहुत ही अच्छा है और मुनासिब रेट में ये काम करते हैं। तो जी प्लाजे पर पहुंच चुके हैं, अल्लाह खैर करे। अब रेट कितना लगता है तो जा रहे हैं नीचे, देखते हैं रेट कितना लगता है। उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगेगा। शोरकोट में ये प्लाजा, मैंने मोबाइल भी यहीं से खरीदा था। ये आप देख सकते हैं प्लाजे में पहुँच चुके हैं तैर भाई और मैं। तो जी मोबाइल का रेट लगा है 26,000 और 27,000 के दरमियान। एक शॉप वाले ने कहा था 26,000 और अगली दुकान से पूछा है उन्होंने कहा 27,000। मोबाइल वापस लेके आके अब तैर भाई ने देखते हैं लिखते हैं या नहीं, मेरा दिल नहीं है देने के लिए क्योंकि महीने पहले मैंने रेट लगाया तो 30,000 रुपये का लगा था, तो अब लगा है 27 और 26,000 का, मैं नहीं देना चाहता। तो तैर भाई ग्रोह नहीं है, वो पानी पी रहे हैं और इधर से हमने तेल डलवाया मोटरसाइकिल में पेट्रोल। और गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा है, धूप शदीद निकली हुई है और रोज़ा आज लग भी रहा है। आपको शक्ल से ही मालूम हो रहा होगा भाई आज वाकई रोज़ा लग रहा है। तो जी तैर भाई अब मुझे कह रहे थे कि आप मुझे अपना मोबाइल 26 या 27 हज़ार में दे दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने इस रेट पे अपना मोबाइल फ़रोख्त नहीं करना क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ही अच्छा है और फ़िलहाल अभी सही चल रहा था। तो इसी के साथ अब हम वापस घर जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।